क्या केवल गुरु कृपा से भवबंधन मुक्ति संभव है? यदि संभव है तो कैसे? ऐसा है जी कि गुरु तो चाहे जैसे बने, हरो जन जो उपदेश का है, हरे कमल जो विवाह तथा तव स्वास्थ्य सर्व विस्मरणाग्रह, चाहे शंकर जी उपदेश करें, चाहे विष्णु भगवान उपदेश करें, चाहे ब्रह्मा जी उपदेश, लेकिन जब तक जिज्ञासु संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने बनाए रिश्ते नाते संबंध तेरा तेरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब तक किसी का उपदेश कोई काम नहीं करता है। तो उपदेश ज्ञान गुरु लोग ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, परंतु श्रद्धावान लगते ज्ञान तत्परस्त इंद्रिया, जो श्रद्धालु तत्पर और जितेंद्रिय होगा वही ज्ञान को ग्रहण कर सकेगा। तो ये तो रही बात उपदेशक की, अब रही कि गुरु भी कृपा करके यदि ज्ञान कराएंगे तो उन्हें ज्ञान कराने के लिए जो ज्ञान की प्रणाली है उसी से ज्ञान कराना पड़ेगा। और ज्ञान की प्रणाली यह है कि प्रमाण के द्वारा प्रमेय का साक्षात्कार होता है। बिना प्रमाण के जो प्रमेय का साक्षात्कार होगा वो भावना मात्र होगा। इसलिए श्रद्धा से या भावना से आत्म साक्षात्कार नहीं। देखो मैं एक महात्मा के पास गया, उन्होंने पूछा तुमको क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे भजन चाहिए, तो बोले कि अच्छा भजन करो। अब हमारे मुंह से राम 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 निकलना शुरू हुआ, 3 दिन तक मैं उनके आंसू में रहा और राम राम मुंह से निकलता, 14 दिन बंद हो गया। बंद हो गया तो मेरे उनसे कहा तो बंद हो गया, तो बोले जी तब क्या मैं तुम्हारी जीभ पर बैठ के हमेशा बोलता रहूंगा, अभ्यास तो तुमको ही करना पड़ेगा, करो अभ्यास। तो यदि कोई संकल्प करके या शक्तिपात करके अपनी शक्ति से हमारे हमारी बुद्धि में ज्ञान भर देगा तो एक दिन जगी हुई कुंडलनी भी सो जाए और एक दिन दूसरे का शक्तिपात भी लौट जाए। इसलिए ज्ञान की जो प्रणाली है, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, शब्द स्पर्श रूप रस गंधों को देखना, उनके लिए यही 5 इंद्रियां काम में आएंगे। और आपका भावना से भावित जो राम कृष्ण आदि का रूप है वो भावना से आपके अंतकरण में भी और बाहर भी दिखेगा, लेकिन वो हमेशा नहीं दिखेगा क्योंकि कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती। जब नींद आवेगी तो सारी भावनाएं सो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में सुषुप्ति काल में जो आत्मा रहता है, जिसको साक्षी बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं, वो साक्षी दृष्टा भी जब तक परिच्छिन्न रहेगा, अंतःकरण की उपाधि से युक्त रहेगा, तब तक वो भी भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अनेक दृष्टा होंगे, प्रकृति होगी, प्रकृति का प्रेरक ईश्वर होगा, उसकी भी भवबंध मुक्ति नहीं होगी। भवबंध मुक्ति तो तभी होगी जब सद्गुरु किसी भी भाषा में से महावाक्यार्थ का साक्षात करा देंगे कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। इसलिए गुरु कृपा भी बेकायदे ज्ञान नहीं देती है, ज्ञान होने की जो प्रक्रिया है उसी से सच्चा ज्ञान देती है। अब रही बात है इसमें आप अपने गुरु की इंसल्ट समझ लो तो आप स्वयं गुरु बन जाएंगे और आपकी इज्जत बनी रहेगी। एक चेले को गुरु की बड़ी सेवा करनी पड़ती थी, दिन रात पानी भरो, पाव दबाओ, रसोई बनाओ, भिक्षा लाओ। चेला ने कहा महाराज आप तो कुछ नहीं करते हैं, हमको सब कुछ करना पड़ता है, आप भी तो कुछ किया कीजिए। बोले कि देखो बेटा तुम चेला हो, मैं गुरु हूँ, चेले को करना पड़ता है, गुरु को नहीं करना पड़ता। बोले कि तब गुरु जी हमको भी गुरु जी बना दे। तो करवाई गुरु तो वही है जो आपको गुरु बनाते, उसका जो अनुभव है वही अनुभव आपको भी हो जाए और अनुभव आपको ही होगा, गुरु का अनुभव आपको काम।